इन बिलों को जला करके यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से एक संदेश दिया गया मोदी सरकार को कि देख लो जिन बिलों को बनाने के लिए तुमने लाखों करोड़ रुपए खर्च किया होगा, किसानों ने उसे मिट्टी के भाव समझ के सड़क पे जला दिया। सुप्रीम कोर्ट हल चाहती है, हम भी तो हल चाहते हैं कि वो एक हल उठाएं और किसान अपने धरती पे पहुंच जाए वापिस। सुप्रीम कोर्ट वो हल कहाँ जा रही है, हम भी तो वो हल चाह रहे हैं। इनके पास तीन ही काम है, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रखते हैं, मंदिरों के कंधों पे बंदूक रख देते हैं, समझ रहे बात, मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। इनको धर्म का मतलब ही नहीं पता, धर्म क्या होता है, भूखे को रोटी खिलाना, ये रोटी छीनते हैं। देखिए खालिस्तानी, इनको एक बात बताइए, आज हमने क्या मुल्क की डिमांड कर दी? आज अगर हम मुल्क की डिमांड करें तब हम खालिस्तानी कहलाएंगे ना? हम तो बिल को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, तो असी केड़ा कोई मुल्क मांग लिया जेड़ा साढ़े मस्ते तू खालिस्तानी टैग लगा था। हमारे देश का नेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर जो बैठे लोग हैं वो हमेशा दंगों को भड़काने की बात करते हैं। आज बर्ड फ्लू को लेकर के कह रहे दो पक्षी मर गए, दो उल्लू मर गए, दो बतख मरी मिली हैं, दो खरगोश मर गए, दो कबूतर मर गए। अरे इतने किसान मर गए, वहाँ भी भोंक लो। ये आंदोलन तीर्थ स्थल लगता है, तीर्थ स्थल आप अगर वहाँ से लेकर यहाँ तक रखोगे आपको प्रसाद ही प्रसाद मिलेगा, इतनी चीज़ें मिलेंगी। आप एक बात बताइए, जिस जगह में प्रसाद लंगर ये सब चल रहा हो वो आंदोलन के खालिस्तानियों का या आतंकवादियों का हो सकता है? आप ये बात बताइए, आतंकवादी तो गोली खिलाते, रोटी थोड़ी ना खिलाते हैं। देखिए प्रतिलिपियां ये जलाना ये एक संदेश है, प्रतिलिपियां जलाना हमारा विरोध नहीं है। आज कई लोग इसको विरोध के तरीके से देखेंगे, पर यह संदेश है कि हम इन बिलों के विरोध में हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये बिल मात्र एक रद्दी के कागज़ हैं जिनको जला दिया गया या कबाड़ में बेच दिया जाता है। आज इन बिलों को जला करके यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से एक संदेश दिया गया मोदी सरकार को कि देख लो जिन बिलों को बनाने के लिए तुमने लाखों करोड़ रुपये खर्च किया होगा, किसानों ने उसे मिट्टी के भाव समझ के सड़क पर जला दिया। सुप्रीम कोर्ट हल चाहती है, हम भी तो हल चाहते हैं कि वो एक हल उठाएं और किसान अपने धरती पर पहुँच जाए वापिस। सुप्रीम कोर्ट वो हल कहाँ जा रही है, हम भी तो वो हल चाह रहे हैं कि हमें एक सोल्यूशन मिले। सुप्रीम कोर्ट, मेरी एक छोटी सी बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट आज एक किसानों के पक्ष में ना पहले थी, ना आज है, ना कभी होगी। जब तक ये सरकार है सुप्रीम कोर्ट में जनहित के फैसले कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो तो कह किसान हल क्या नहीं चाहते जी, कमेटी बनाती है किसान, वो कमेटियों की कमेटी में चार आदमी लिए हैं। आपने उन चारों आदमियों का बैकग्राउंड देखा है? उन चारों आदमियों ने रिटर्न में अपनी स्टेटमेंट दे रखी है। वो चारों आदमी ये कहते हैं कि भैया हम तो ये बिल को बहुत अच्छा मानते हैं। आप ऐसे आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग देश का भला करेंगे? एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिए, अगर आज आपके साथ में आपको कोई बिगाड़ने वाला आदमी है, आज आपके साथ में कोई ऐसा आदमी घूमता है जो सुबह शाम दारू में टल्ली रहता है और आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा तू दारू नहीं पिएगा, और वो बच्चा बोलता है आंटी जी आप बेफिक्र रहो मैं इसको पीने नहीं दूंगा, यानी कि जो आदमी सुबह से शाम तक टल्ली रहता है और वो आपको ये कह रहा है कि मैं पीने नहीं दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल शराबी की तरह काम कर रही है जो सरकार के पक्ष में है और कहती है कि हम उससे दूर है। हल कुछ नहीं निकलेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे दादों का शुरू किया आंदोलन है, पोते इसको खत्म करवाएंगे बेशक, तब भी खत्म नहीं होगा ये आंदोलन। आज ये आंदोलन 10 साल चले, 20 साल चले, मेरी बात को आप ध्यान रखना, अगर ये आंदोलन खत्म होना होता तो पहली शहादत के बाद हो जाता। 70 आदमियों की कुर्बानी यहाँ धरती पे हो गई, हिंदुस्तान की धरती पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे 70 आदमियों को हम लोग ऊपर जाके क्या शक्ल दिखाएंगे कि हम लोग पीछे भगोड़ों की तरह भाग गए? आज 70 की जगह 7000 भी अगर यहाँ पे अपनी कुर्बानी देंगे तब भी आंदोलन जारी रहेगा। हिंदुस्तान की धरती ने क्रांतिकारी बेटे पैदा करे हैं, हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग पैदा होते हैं। और हमारे देश के किसान लोगों के आज रग रग में खून नहीं, क्रांति दौड़ती है। यहाँ हर आदमी एक क्रांतिवीर अपने आप में। देखो इनका शुरू से काम ये रहा है, इनके पास तीन ही काम है, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रखते हैं, मंदिरों के कंधों पे बंदूक रख देते हैं, समझ रहे बात, मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। इनको धर्म का मतलब ही नहीं पता, धर्म क्या होता है, भूखे को रोटी खिलाना, ये रोटी छीनते हैं। धर्म क्या होता है, प्यासे को पानी देना, ये प्यास में तड़पा तड़पा के बंदे को मारते हैं। धर्म क्या होता है, प्यार का संदेश देना, ये नफरत का संदेश देते हैं। धर्म क्या होता है, बुजुर्गों का आदर करना, ये हमारे बुजुर्गों पर लट चलाते हैं। ये आदमी धर्म की परिभाषा बताएंगे हमें?
अच्छा हेमा मालिनी ने बोला है जो भी किसान आंदोलन में बैठे हैं उनको कानून की समझ नहीं है। अरे हेमा मालिनी जी को क्या बैंगर समझ है राजनीति की, समझ रहे हो बात? आज हेमा मालिनी जी एक महिला है, उनके सम्मान में हम एक ऐसे अपशब्द बोलना नहीं चाहते। अगर ये हेमा मालिनी की जगह किसी दूसरे नेता ने अगर ऐसी स्टेटमेंट दी होती तो हम उसकी बखियां उखाड़ देते। पर आज एक छोटी सी बात बता दूं, हेमा मालिनी इतने समय से एक्टिव नहीं थी। अब जो आदमी एक्टिव नहीं होता वो तो चाहता है यार मैं मीडिया से दूर हूँ, मेरी खबरें बनी रहे, मेरा भी नाम दर्ज हो कि मैंने मोदी सरकार का समर्थन करा है। आज समर्थन के लिए उसने बोल दिया कि ये लोग तो किसान ही नहीं है, ये इनको बिलों की समझ नहीं है। हेमा मालिनी से पूछो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताओ, हेमा मालिनी से पूछो एसेंशियल गुड 1955 का जो वो गुड था उसमें क्या बताया गया था, उनसे ये पूछो, उनसे पूछो वन गुड्स वन मार्केट का मतलब क्या है, उन्हें खुद को नहीं पता। तीन बिलों के नाम नहीं पता होंगे इन लोगों को जो इनका समर्थन कर रहे हैं। आज विरोध करने वालों को ये जरूर पता है कि हमारे देश के लोगों की रोटी छीनी जा रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। हेमा मालिनी को कुछ नहीं पता। देखिए आज हेमा मालिनी कहती हैं कि मैंने गेहूं काटा, वो फोटो सेशन था। आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार क्या करते हैं, रैम शो करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो सेशन करते हैं। हेमा मालिनी चाहती थी कि भारत के इतिहास में एक मेरी यादगार तस्वीर होनी चाहिए गेहूं काटती हुई दराती से लेकर के। उनको नहीं पता था वो दराती उनकी गर्दन पर ही आ जाएगी, समझ रहे हो बात? आज हेमा मालिनी जी की गर्दन पर दराती है और वो दराती के द्वारा जब भुकला गई हैं तो मरता क्या नहीं करता। आज हेमा मालिनी वही कर रही है कि जिन्होंने दराती उनकी गर्दन में टिकाई है आज उनको वो सारे आतंकवादी दिख रहे हैं, आज उनको दिख रहा है कि इनके पक्ष में बिल है और ये सब पागल हो चुके हैं। देखिए खालिस्तानी इनको एक बात बताइए, आज हमने क्या मुल्क की डिमांड कर दी? आज अगर हम मुल्क की डिमांड करें तब हम खालिस्तानी कहलाएंगे ना, हम तो बिल को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। तो असी केड़ा कोई मुल्क मांग लिया जेड़ा साढ़े मस्ते तू खालिस्तानी ने टैग लगा था। तो आज जो ये हमें खालिस्तानी कह रहे हैं सही मायने में इनकी मंशा के अंदर इनके मन के अंदर खुद आतंकवादी बैठे हैं। सुबह शाम ये आतंकवादियों से प्रेरणा लेते हैं, गोडसे जैसे बंदों से प्रेरणा लेते हैं, ये वीर सावरकर जैसे बंदों से प्रेरणा लेते हैं जिनके माफीनामे सोशल मीडिया पे घूमते हैं। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन से लेकर के अब तक सिर्फ पीठ दिखाने का काम किया है और आज यही किसानों को पीठ दिखा करके संसद में अपने घरों में बैठे हैं। सामने आके सड़क पर बात करें ना ये भगोड़े हैं, इन्होंने भागना सीखा है और भगाना सीखा अपने पीछे। देखिए वो जो चार परिभाषाएँ हैं अगर आप बोलें, मुसलमान आतंकवादी है, सरदार खालिस्तानी है, और जो हिंदू हमारा साथ देता है वो देश विरोधी है, गद्दार है, और जो नक्सलवादी है वो आदिवासी हैं। इन्होंने परिभाषा अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रखी है और उसको गली गली से पहुंचाने का काम करता है हमारे देश का नेशनल मीडिया। और नेशनल मीडिया पर जो बैठे लोग हैं वो हमेशा दंगों को भड़काने की बात करते हैं। आज बर्ड फ्लू को लेकर के कह रहे दो पक्षी मर गए, दो उल्लू मर गए, दो बतख मरी मिली हैं, दो खरगोश मर गए, दो कबूतर मर गए। अरे इतने किसान मर गए वहाँ भी भोंक लो, वहाँ नहीं बोलेंगे इतने किसान मर गए। इनको बतख की चिंता है, इनको 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 मुर्गों की चिंता है जो आज बर्ड फ्लू से मरे। अरे वो ब्लड फ्लू से मरे, उन्होंने तो वैसे भी कटके मरना है। आज बनी तो अगर वो पॉलिटी फॉर्म में नहीं मरेगा तो 15 मिनट बाद कसाई खाने में मर जाएगा। जो यहाँ किसान बैठे हैं जो मर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं बोलते ये लोग? आज एक छोटी सी बात बताइए, बाबा जी का लंगर चल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं 45 दिन में कम से कम 20 दिन अपना गया हूँ आंदोलनों में, यहाँ भी गया हूँ, सिंधु बॉर्डर भी गया हूँ। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, हमें आज ये आंदोलन तीर्थ स्थल लगता है, तीर्थ स्थल। आप अगर वहाँ से लेकर यहाँ तक रखोगे आपको प्रसाद ही प्रसाद मिलेगा, इतनी चीज़ें मिलेंगी। आप एक बात बताइए, जिस जगह में प्रसाद लंगर ये सब चल रहा हो वो आंदोलन के खालिस्तानियों का या आतंकवादियों को हो सकता है? आप ये बात बताइए, आतंकवादी तो गोली खिलाते, रोटी थोड़ी ना खिलाते हैं। सरकार कह रही है कि तो बर्ड फ्लू फैलाने की, आप बर्ड फ्लू फैलाने की वो बात कर रहे हो। आज बर्ड फ्लू का आपको मैं छोटा सा बात बताऊं, आज जियो के 5G टावर की लॉन्चिंग हो रही है, आज जगह जगह जियो का जो ये 5G टावर का कनेक्शन हो चुका है, आज उससे पंछी मर रहे हैं। आज अगर बर्ड फ्लू अगर कहीं है तो वो 10% है, 90% जियो की टेस्टिंग को पास कराना है। और अब जब पक्षी मरेंगे तो लोग विरोध करेंगे, तो इन्होंने कह दिया बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू जो आज की डेट में इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बर्ड फ्लू जो है वो एक पॉइंट पकड़ा। पहले इन्होंने लॉकडाउन बेकार का करके मुर्गे पालने वालों को, पोल्ट्री फार्म वालों को, अंडे बेचने वालों को जमीन में घुसेड़ दिया, और अब ये दोबारा जब वो हल्का फुल्का उठे थे अब बर्ड फ्लू कह करके उनको और मारना शुरू कर दिया। क्योंकि इसमें कसाई खाने में 70% मुस्लिम लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जिनके आज चलते हैं, तो ये मुस्लिम के अगेंस्ट तो है ही हैं। तो आज जब ये मुस्लिम के अगेंस्ट है, ये तो चाहेंगे हम ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे कसाई खाने बंद हो जाएं। तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई का, जब से जो आंदोलन कर रहे हैं सभी के खिलाफ सभी देशद्रोही हो गए। आज हिंदुस्तान में
सिर्फ देशभक्त कौन है, मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में देशभक्त वो है, सुन लो, हिंदुस्तान में देशभक्त कौन है, हिंदुस्तान में देशभक्त वो है जिसके मुंह पे तीन शब्द है जय श्री राम, जिसके गले में एक भगवा झंडा है, बगला गमछा है, वो एक देशभक्त है। आज हिंदुस्तान में देशभक्त वो है जो कहता है हर हर, आज एक छोटी जो हर हर महादेव होता था, आज ये लोग हिंदू कहते हैं अपने आप को, हर हर महादेव को इन्होंने हर हर मोदी कर दिया। मेरी बात समझो, मतलब जो भगवानों के नारे को चुरा करके, भगवानों के नारे को चुरा करके एक आदमी को दे दें, ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो देशभक्त होंगे? सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं जो कहते हैं घर घर मोदी, हर घर मोदी, जो बोलते हैं अपने जमान पे झूठा जय श्री राम, इनकी बगल में छुरी होती है, एक किसी निहत्ते आदमी को पकड़ करके राम का नारा लगा करके मार देते हैं ये लोग। आज इन लोगों से आप उम्मीद करते हो कि ये हिंदुस्तान में धर्म की परिभाषा जानते हैं? इनको हनुमान चालीसा नहीं पता होगी? आज आप मेरे से पूछ लो, मैं पूरी हनुमान चालीसा सुना दूंगा। इनको हिंदू होने के बाद हनुमान चालीसा नहीं आती होगी? क्यों नहीं आती होगी? क्योंकि इनकी नज़र में आज हिंदू तत्व वो नहीं है जो मंदिरों में होता है, जो राधु साधु वगैरह फैला के गए हैं हिंदू तत्व को। इनकी नज़र में हिंदू का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सपोर्ट करना, एक गमछे के नीचे आ जाना और उस गमछे के नीचे आकर के एक जातिवाद की नफरत की राजनीति करना। आज क्या एक बात बताइए, जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं क्या वो हिंदू नहीं है? उनके मंदिरों को तोड़ दिया इन लोगों ने। आज आपने देखा होगा अभी हनुमान मंदिर तोड़ दिया, ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, दिल्ली का हनुमान मंदिर जो आज़ादी से पहले का था उसको तोड़ दिया गया, ये किस बात के हिंदू हैं? आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, ये एक्चुअल में हिंदू दो जाति में बढ़ चुके हैं, एक वो हिंदू हैं जो यहाँ खड़े हैं, एक वो हिंदू हैं जो बीजेपी के हिंदू हैं। जो बीजेपी के हिंदू हैं वो आज हिंदू की परिभाषा दो भागों में बटी हुई है, जो बीजेपी के हिंदू हैं वो मोदी समर्थक हैं और जो एक्चुअल हिंदू हैं वो यहाँ किसानों का समर्थन कर रहे हैं।